बारी टुट गई, जट ते मुसीबत सी बारी टुट गई, कहंदी सी तेरे बिना कोई ख्वाब आया नहीं। जदों पुछया मैं उनू, दोस्तों इनका बर्थडे था तो आज तो मैंने इनको ये वाइट वाली टी शर्ट गिफ्ट की थी, जो कि ना मुझे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसे लग रही है, मेरी खुद की चॉइस है पर मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों मैं ना गैराज की चाबी लेके आ गई हूँ, वो चले गए हैं, आज उनका एग्ज़ाम है, फिर बाद में आएंगे साइड पर। तो आज ना आप लोगों को बता दूँ मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया, तो अभी बाद में जो सरप्राइज़ है ना आपको ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा, उन्हें कुछ पता नहीं इस बारे में। दोस्तों अभी ना मैं सामान वगैरह लेके आ गई हूँ बर्थडे का, जो भी होता है, और बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है, मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है और आसमान गरज भी रहा है। तो बर्थडे का सामान वगैरह से लेके आ गए, अभी डेकोरेशन करेंगे, वो तो अभी आए नहीं है। और ना अभी हमारा घर का काम चला, मम्मी लगा रही झाड़ू वगैरह, मैंने बर्तन वगैरह धो दी थी, कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में सुखाऊंगी, क्योंकि ना बारिश हो रही है, उसके से फिर बरसात में अगर कपड़े सूखे ना हो तो गीले हो तो उससे बदबू आने लग जाती है। तो तब तक के लिए ना आप से वॉशिंग मशीन में रखते हैं कपड़े। अभी हल्के से में अभी भी गिले हैं, ज़्यादा गिले तो नहीं है, उसके बाद मैं इनको चतार पर डालते हैं अंदर वाले, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। कपड़े भी ना छत पर डाल दिए हैं मैंने, मैं चाहती हूँ नीचे अभी बहुत सारी शाम को डेकोरेशन वगैरह भी करनी है। तो अभी ना 3 बज चुके हैं और हम अभी गुब्बारे वगैरह फुलाएंगे, तो मेरे पति अभी गए हैं दीदी को लेने के लिए, पापा तो ड्यूटी को चले गए हैं लंच करके, और मैं और मम्मी अभी यहाँ गुब्बारे फुला रहे हैं, तो उनमें हवा वगैरह भरते हैं, उसके बाद ना फिर दिखाएंगे हम कि हमारा फाइनल डेकोरेशन कैसा हुआ है। तो फिर से अपने काम पे ना लग जाते हैं। आज मैं लाई हूँ ये ब्लू कलर के बलून, जो कि बहुत ही लगी यारी टूट गई, जट ते मुसीबत। यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे वाला लेके आ गए और लगाएंगे हम यहाँ पे, तो फटाफट इसका काम स्टार्ट करते हैं, और बैलून भी फुला लिए हमने, हवा भर लिया। डेकोरेशन हमारी आधी हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद दिखाऊंगी आपको। और ना अभी हमारे छोले उबल के तैयार हैं, आलू उबल रहे हैं और मैदा वगैरह गूंथ लिया, क्योंकि आज हम छोले भटूरे बना रहे हैं। और ना केक वगैरह आ गया है, सुबह लेके आ गई थी, अभी फ्रिज में रखा हुआ है। तो डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद दिखाई, तो अभी मैं बना रही चाउमीन, तो अभी चाउमीन उबल रही है, उसके बाद बनाएंगे खाना वगैरह। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। अंदर है लहसुन, यहाँ पर कटा हुआ है बारीक से प्याज, यहाँ पर है बारीक से कटा हुआ टमाटर, यहाँ पर उबले हुए आलू, और यहाँ पर है छोले जो कि उबल चुके हैं, और यहाँ पर हो रही कढ़ाई पे तेल गरम, तो ना फटाफट से तेल गरम हो गया है। अब लगाते हैं धनिया का छौंक, उसके बाद बनाते फिर मिलते हैं आपको। लगी यारी टुट गई, जट ते मुसीबत। कई सालां दी सी लगी यारी टुट गई, जट ते मुसीबत।